and welcome to Comedy Shows Kebab Comedy Circuit. Archana ji, Underworld ek aisi jagah hai jahan par koi bhi sirf do angrezi shabd seekhkar lakhon kama sakte hai. Aur wo do shabd kya hai? Hands up. Archana ji, aajkal actors ko lagta hai ki jab tak wo biopic nahi karenge वो एक्टर नहीं बनेंगे और इसकी वजह से भोजपुरी किशन भी एक बायोपिक करने जा रहे हैं, वो भी एक डाकू पे. आइए देखते हैं कैसी बनती है इनकी बायोपिक. प्लीज वेलकम मुबीन एज डाकू, सिद्धार्थ एज किशन एंड करिश्मा एज डाकू की बीवी. वैसे मैं बहुत खतरनाक डाकू हूँ. इतना ज्यादा खतरनाक डाकू हूँ जिस गली से गुजरता हूँ लोग थर्रा जाते हैं. मेरा नाम सुन के लोग कांप उठते हैं और मेरा नाम है डाकू जूली. अरे नहीं नहीं, ये मेरे ऑपरेशन के पहले का नाम है. ऑपरेशन के बाद तो मैं डॉक्टर जूली बन गया. अरे यार ये गलती समझती है, पथरी का ऑपरेशन था. कमाल है. वैसे मैं आपको अपनी बहादुरी के किस्से बता दूं. बड़े बड़े कांड किए मैंने. एक बार मैंने उड़ता हुआ हवाई जहाज चोरी कर लिया था. फिर पता क्या हुआ, जिसका हवाई जहाज चोरी किया ना उसके बाप ने मेरे को बहुत मारा. बोला बच्चों के खिलौने चोरी करता है. वैसे सच्ची बताऊं, आज के लिए डाकूगिरी के धंधे में ना बहुत टेंशन हो गया है. मतलब कोई सीरियसली लेता ही नहीं. पहले जमाना अलग था, जाते थे बैंक लूट के आ जाते थे. आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. सीसीटीवी की वजह से दो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही, एक हम डाकू को, दूसरा अर्चना जी को. मुझे क्यों? क्योंकि अब इनको कोई एटीएम में सोने नहीं देता है. वैसे मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरी बायोपिक बनने वाली है. बाबू अद्भुत है, अद्भुतास गुतार जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड. अद्भुत है बाबू, इसो हमारा फेवरेट है, बहुत मजा आता. वो लड़का कमाल है सर. सिद्धार्थ लिप चौथड़ दिखता है, लमचोचा दिख बढ़िया. अरे सॉरी सॉरी, ओ माय गॉड, वो झंडे नाप क्या बोलते हो, वो झंड जिसका डायलॉग वो है ना आप. अरे बाबू जिंदगी अभिलाष बा फिर भी घमंड बा. अरे जिंदगी अभिलाष नहीं, जिंदगी झंड बा. अरे तो उसकी कौन सी सही है, झंडी है. मजा आ गया बाबू, जिंदगी झंड. अच्छा सुनो, कैसे आना हुआ? बस ऐसी खड़े थे. चलो लोखंड वाला ले लो. अरे क्यों आए यहाँ पर आप? हम चाहते तो पे पिक्चर बनाना बाबू. अच्छा, हम तुम जानते रहे हम कौन है. हम चाहते तुम्हारा रोल कर, तुम पे बायोपिक बने, तुम्हारा किरदार हम अदा करेंगे. प्रचंड जो आला में झुलस की तरप्ती रूह से अंदर निकल के अद्भुत बना देंगे बाबू. आओ मचा. एक मिनट, हम आओ प्राण डाली बाबू, हम आओ काटी बाना. जंगल में अकेले डाकू को डराया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. अरे सुनो, और ये बायोपिक हमारी बन रही है तो यार हीरो हमको लो ना. बाबू ऐसा चेहरा चलता नहीं ना फिल्मों में. यार ये तो गलत है सोहेल भाई. मतलब देखो आप, अच्छे खासे इसके चेहरे को मेकअप करके मेरे ऐसा कंधा बनाएंगे, इससे अच्छा मुझे ही ले लो. अरे नहीं बाबू, एक्टिंग नाम की चीज होती है, कलाकारी होती है बाबू. अंदर से कर क्या कलाकारी. अरे तो एक्टिंग करना कौन सी बड़ी बात है, हम तुमको यहाँ से उठा के वहाँ स्टार बनाएंगे. सुनो, तुम्हारे जैसे एक्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई भी कर लेता है. तो क्या बस क्या यहाँ पे माचिस की तीली फंसानी है. अरे बाबू जिंदगी झंड वाह फिर भी घमंड वाह. ऐसी एक बात कही, हाँ आज के बाद कोई कैरेक्टर नहीं करेंगे तुम्हारे साथ. हम पगले हैं कैरेक्टर में, मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रैक्टिस. 3 घंटे तीली डाल के बैठे आगे, ऐसे नहीं ऐसे होता है. हमारी बायोपिक के लिए आए हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो. हम थोड़ा तुम्हारे पास जानना चाहते, पहचानना चाहते. तुम्हारे आस पास को डाकू डकैत, वो राइट हैंड कहाँ है तुम्हारा? अरे वो रहा किधर, ये दिखा नहीं दे रहा. मार दे. अरे कैसा अजीब आदमी है, मार खाने के बाद भी हंस रहा है. तो बाबू रोते तो बहुत गंदे लगते हैं. नॉर्मल ठीक. वैसे ये बताओ, तुमने इससे पहले कौन सी फिल्म की है? हमने बहुत फिल्में की है बाबू. हमारी पहली फिल्म आई थी अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों.
बूढ़े वॉचमैन की कहानी, जो कब्रिस्तान में रहता है, लोग आके अपनी बॉडी देके जाते हैं, लो भैया अब तुम्हारे हवाले बदन साथ पूरी ऐसा बॉडी उठा जैठाड़िए अकेला बंदा उठाए रहा। अब उमरी कभी कोई ऐसी जिंदगी में औरत औरत रही क्या? अच्छा औरत मतलब कि नहीं नहीं, नहीं नहीं फिर एक बीवी है। तब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही का? अरे नहीं गर्लफ्रेंड वर्फ्रेंड नहीं रही, तुम्हारी बता तुम्हारी कुछ रही तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन हमको पप्पी देने से पहले छोड़ के चली गई। पप्पी देने का उसे लगा मैं खाने आ रहा, घबरा के छोड़ गई हमको। हाँ अच्छा कहानी क्या है फिल्म की बताइए। अब वो पहली कहानी शुरू होती है, पहले तो पहले ही सीन दिखाएंगे। हाँ तुम्हारे चार चाचा चारों डकैत। वाह हाँ चार चाचा चारों डकैत। चार चाचा मतलब क्या होता है बाबू? कहानी तुम सुनोगे नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारे साथ हुआ क्या था। हाँ सुनो, अब तुम्हारी उसमें बुआ आती है, एक्चुअली तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहू पे बहुत अत्याचार किया, उस वजह से एक नंद पुनर्जन्म लेती है, प्लास्टिक सर्जरी कराई जाएगी। हाँ इसमें एक काम करो, तीन धूमताना ना डालो, दो जाप जूप जाप डालो और सीधा बालाजी का सीरियल बना दो साले। ए, मेरी बायोपिक बना रहे कि एकता कपूर का सीरियल। पहला सीन शुरू होता है, कहानी कुछ ऐसे है। हाँ ये सीन शुरू पिले लिक। अरे एक सेकंड, फोन यार। अरे बीवी का फोन है। अरे बीवी का फोन। हेलो आवत है। सीन शुरू होवत है। पिले लिक। बीवी का फोन है, बीवी का फोन। अरे भाई से पूछ मारे। अरे अरे ढोकला में गड़गड़ा दे साले, मारे लतिया उठा बतिया मार दे। बात करे रहा अगला कहीं का। अरे चुप, हम पे जोर मारे रहा, बकवास कर रहा। आवत है, आवत है। पहला सीन शुरू होवत। पिले लिक। ओरी अरे काम आ गई तो कहा करी, ये तुम लुगाइयों का यही नाटक है, चला जंगल में भी पीछे नहीं छोड़ती है। साले डाकू की बीवी तो कुछ भी घर आ गई। ओ साले बीवी हमरी, तू कौन होता बे डाकने वाला? बाबू तुम जिंदगी का ही तोड़ने में लगे हो। बाबू सीन शुरू हो गए हैं। सीन शुरू हो गया। कौन है बे ससुरा जो हमको डांट रहा है बे? ये चिल्ला तुम पे। इधर आओ, इधर। हमको डांट रहे हो? हमको डांटोगे और तुम रोक नहीं सकते थे इसको? हम रोके रहा। और तुम इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हो? तुम बकनोल जैसे काहे खड़े हो? भाऊ जी पाव लागू आप रहे साले, पाव लागू भाऊ। बहुत हो गई साले, भौजी बचला पग मारेंगे लतिया तोरा उड़ा। हमारे पति को मारता है, हमारे पति को डांटता है। अरे कितना मार रही हूँ, मत मारो मर जाए। तुमको बड़ा इसका फिरा हो रहा है। अच्छा सुनो, तुम टेंशन मत लो, ये फिल्म बनाने आए हैं, तुमको भी ले लेंगे। हमको भी रोल दो ना। तुम मिलाओ हाथ, मिलाओ। हाँ अब सुनो, इसको फिल्म मिलेंगे पहला सीन। हाँ तुम्हारी बीवी पे हुआ अत्याचार, इसलिए तुमने तुम गुंडा ही बने। अरे नहीं ये तो गलत, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो फिर ये तो गलत है ना। अरे नहीं हुआ तो अत्याचार हम करेंगे। आओ देखो बायोपिक बना रहे तो सच सच करेंगे जो होगा। आओ आओ एक मिनट भाभी जी, आओ आओ भाभी जी, आओ भाभी जी, आओ भाभी जी, आ रहा छोड़ गोली मार दूंगा। भाऊ जी सुनो, इधर तो आओ भाऊ जी सुनो, बताओ तुम रहते कैसे भाई, खाना पीना कैसे खाते हो? अरे अब क्या बताएं, जंगल है ना, यहाँ पे पानी है ना कुछ है, पिज्जा वीजा ऑर्डर कर देते हैं। ओ तो फिर यहाँ पे कपड़ा वपड़ा कैसे धोते हो बाबू? अरे बाबू जंगल है सुनसान है, लॉन्ड्री में दे देते हैं। अच्छा तो फिर नहाने वहाने बहुत दिक्कत होगी, ना पानी ना बिजली, अपना जकूजी में जाते हो नहाने? डाकू है पागल नहीं है, पागल नहीं है, यहाँ काय का जकूजी, नदी नाले में नहा लेते हैं रोज। समझे? अब समझ गए बेबी, इतना समझा। बाबू तो प्रॉब्लम ये रोज नहाते हैं, हमने आप भी नहाए थे 3 महीना पहले, और रोज कैसे नहाएंगे? बाबू हमसे नहीं हो पाएगा बाबू। नहीं नहीं बाबू, एक्चुअली 3 महीने बाद जब नहाओ ना, दिव्यांग से बड़ा महल निकलता है। लेकिन कुछ भी कहो बाबू, मजा आएगा, हम फिल्म बनाए भाऊजी के साथ। सुनो तुम फिल्म बना लो,
हम जा रहे हैं, हमको नहीं कर, हमारी बायोपिक में यार हमारी बाइकों को ले गया यार, ये तो गलत बात है। चलता रहता था। अर्चना जी, ऐसे सीन्स देखने को ही नहीं मिलते हैं जहां इतना मसाला, इतना मजा, इतने पंचेस और इतनी कॉमेडी। अब उसको आप फिजिकल कॉमेडी कहिए, पंचेस कहिए, टाइमिंग कहिए, वो सब किया आप तीनों ने। करिश्मा, यू आर लुकिंग हॉट एंड यू आर डूइंग हॉट स्टफ ऑन स्टेज। गुड, वेरी गुड, सुपर्ब। थैंक यू सहल जी, आपको सांस लेने का मौका मिल गया। करिश्मा, सिद्धार्थ, मुबीन, आप लोग इतने टैलेंटेड हो, लेकिन आप लोग ने कभी किसी चीज को ग्रांटेड फॉर नहीं लिया है। इतने कैरेक्टर्स में आ जाते हो दैट आई जस्ट गेट अमेज्ड विद एवरी एक्ट। यू गाइस वर एब्सोल्युटली फैबुलस। थैंक यू। लोग बोलते हैं डाकू सिंह ठाकुर के हाथों मारा गया था। सिंह की बीवी ठाकुर से अपने पति की मौत का बदला लेने आ रही है। मेरा पति मर गया। मैं मिसेस घबराइन। जब से ये मरा तब से मैं घबराई घबराई घूम रही हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा है। एक मिनट। थू। उसकी ये थूकना मेरा मुंह देख के पहली बार निकला था। लेकिन जब से गया है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, किसी पराए मर्द पे नजर नहीं रखती मैं। सच्ची बता रही हूँ, आज जो कुछ भी है मेरे पास। हाँ, इन्होंने ये अंगूठे गिफ्ट किए मेरे को। थैंक यू। और रही बात इसकी, ये तो सुरेंद्र की वजह से है। हाँ, सच्ची में जो इसने आपसे महंगी अंगूठी दी है, जोरदार तालियां सुरेंद्र के लिए। अर्चना जी, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। आपको पता है, इतनी मजबूर हूँ कि 15 साल से नहा ही नहीं हूँ। अरे कैसे नहाती मैं, ऊपर सांबा बैठा होता है। और ऊपर से बोलता है 50,000। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, पूरे 1,00,000 लूंगी। तभी तो बाथरूम बनेगा, तभी तो नहाऊंगी, मारूंगी तेरे। ए सांबा, क्या कर रहा है वहाँ पे? मैं बरसों की खीर खा रहा हूँ। ये खीर मत खा, अगर तेरा पेट खराब हो गया ना तो काली पहाड़ी पीली पहाड़ी हो जाएगी। आजा नीचे, तेरे से बात करनी, आजा। भाभी जी, ये लीजिए, मिठाई खाइए। इतना सुंदर सांबा है, इधर आ, बहुत सुंदर सांबा है। मजा आ गया, बहुत सुंदर है। हे भगवान, अरे वाह, कितना सुंदर सांबा है। सोहेल भाई, आज आपको लग रहा है ना कि शोले फिल्म में सलीम अंकल को आपका भी रोल लिखना चाहिए था ना? भाभी जी, आप बहुत अच्छा मजाक कर लेती है। मैं मजाक करना बंद कर दी ना तो सब शोशे बाहर हो जाएंगे। भाभी जी, आप भी मिठाई खाइए। बताए, मेरी नौकरी लग गई है, अब पत्थर पे बैठ के चील कौवे से चाटे खाने के दिन गए। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, वरना तू पत्थर पे बैठ के ऐसा इडली लेके ना चील कौवे को देके चटनी का इंतजार करती थी। नौकरी कौन सी ज्वाइन की, बता मेरे को। मेरे को बहुत अच्छी नौकरी मिली है। बताए, जब समुंदर का पानी बाहर आता है ना तो इसको ऐसे उठा के अंदर वापस फेंकने की नौकरी। तू क्यों जा रही है? तेरे को इतना अच्छा जॉब दिया है मैंने, ऊपर टीले पे बैठ के फ्री में पैसे दे रही हूँ, क्यों जा रही है? भाभी जी, मैं पैसा मेहनत का कमाना चाहती हूँ। अरे मैं क्या रियलिटी शो का जज हूँ जो फ्री में बैठ के पैसा कमाऊँ? तेरे पास लिया है ना, किधर है लिया? वो घोड़े के नीचे आके मर गया। बहुत अच्छा आदमी था, कितना पूछा उससे, मर गया लेकिन बताया नहीं। अगर वो बता देता कितने आदमी थे तो मैं शर्म से मर जाती। अच्छा सुन, तू ऐसे क्यों खड़ी है? इधर आ ना, कितना क्यूट सांबा है। ओ वाह, बहुत क्यूट। और बलराज,
ऐसा सांबा देख के तेरे को लग रहा है ना कि आज तेरे को गौरव सर के एक्ट में होना चाहिए था। सर, जब तक ठाकुर से बदला नहीं हो जाता तू कहीं नहीं जाएगा। ठीक है मेरी जान, तो जाके ठाकुर को बुला के ला। मैं यहाँ हूँ गवरायन। कोर्ट शूज में ठक ठक की आवाज कौन देता है? अरे जाने दो साहब, वो एड़ा है, कल तो मैयत में सहनाई बजा रहा था मालूम, मुर्दा उठ के चाटा मारा तब रुका ये। ए ठाकुर, तू असली का ठाकुर है। चल मेरे को तेरा ऑटोग्राफ दे, मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ। दे ना। नहीं बोलता है। हुई तेरे को तकलीफ ना? मेरे पति को भी तकलीफ हुई थी मालूम, कील वाले जूते से मारा था उसको। और इसके कील में जंग लगा था, टिटनेस से मारा भी जा रहा वो। मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है, जब शादी हो रही थी तो वरमाला रामलाल ने डाली थी, यहाँ तक कि शादी के कार्ड पर भी लिखा था ठाकुर वेज रंगीली वाया रामलाल। सांबा, ओ तुकोरा, ओ तुकोरा। अब है बदले की बारी। ठाकुर इतांग हमका दई दे ठाकुर। कितना निगेटिव रे, हर बात में मना कर रही है, इसको खम्बे मान। बांध इसको। ए ठाकुर एक बात बता, जब तेरे हाथ ही नहीं है तो तू फुल स्लीव्स का कुर्ता काइको से लाता है? तेरे को क्या लगता है इधर पानी डालेगा तो हाथ उगेगा? भाभी जी जरा मेरी स्लीव्स देखिए। देख देख क्या है, देख। अरे बाप रे, ये क्या है रे? आस्तीन का सांप। बहुत हो गया, वो किधर है वो? क्या 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 क्या? एंड एंड एंड। वो तो मैं टीले में भूल के आया हूँ। अरे तेरे कार्ड के नीचे बजाऊंगा मैं। ऊपर भूल के, एक काम करते सुनना। हाँ। इसका एंड करे फिर एड का एंड करते हैं। आज इसका दी एंड कर देते हैं। चल। मार गोली। बहुत बढ़िया। अर्चना जी, मैंने बाहर सुना कि जवानी में आप ऐसे दिखती थी। आई होप नेवर। नहीं, लेकिन मैं बुढ़ापे में ऐसा नहीं दिखना चाहती, मेरे को नहीं दिखने का है। बंद करो रे, बंद करो। थैंक यू। तो जजेस, बदले के इस आग ने आपको कितना हंसाया? एज टैलेंट मैंने ये हमेशा बोला है, आप लोग बहुत कॉम्पिटेंट हो। You guys were absolutely fabulous. अर्चना जी, हमने शोले के ऊपर जितने स्पूफ्स देखे हैं, आई थिंक उससे ज्यादा किसी और फिल्म पर नहीं बने। गौरव, आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया, थोड़ी सी राइटिंग में मुझे कमी नजर आई, लेकिन यू पीपल आर सो गुड दैट कभी ना कभी तो 19-20 हो ही जाता है। बट आई हैव द ग्रेटेस्ट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एक चैनल पर शो पास कराना कितना मुश्किल होता है वो हमसे ज्यादा बेटर कौन जानता है। सोचिए ऐसे में एक डॉन चैनल वालों से कैसे डील करेगा। लेट्स सी, प्लीज वेलकम बलराज एस डॉन का असिस्टेंट, दिव्यांश एस डॉन एंड आदिति एस चैनल वाली। हेलो, हाँ जी मम्मी, बलराज की मम्मी है ना? हेलो बलराज की मम्मी। हाँ मैं दिव्यांश बोल रहा हूँ। हाँ जी मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अब समझ आया बलराज इतने लंबे लंबे स्टैंड अप क्यों करता है, जिसकी माँ चुप नहीं होती वो कैसे चुप होगा। हाँ जी आंटी, आप बोलते रहिए मैं सुन रहा हूँ। अर्चना जी, हाँ जी, आज स्टैंड अप मैं कर रहा हूँ। तुम लोग बोलते रहते हो ना बलराज के एक्ट में स्टैंड अप बहुत बड़ा होता है, आज मैं कर रहा हूँ, मुझसे छोटा करके दिखाए कोई। आज अब उन भाई बने लाए। हाँ तो भाई सारा काम खुद नहीं करता, क्यों सोहेल भाई? भाई सारे काम खुद करता है। अपुन ने सारे काम करने के लिए एक पंटर रखे लाए। चलो स्टैंड अप शुरू करते हैं,
आजा छोटे। मम्मी प्रणाम। एक मिनट छोटे, तेरे मम्मी तो मेरे फोन पर भी है, ये एक साथ दो दो जगह कैसे हो सकती है? भाई मेरी मम्मी कौन सा ऑप्टिकल कॉन्ट्रैक्ट में दो जगह काम नहीं कर सकती। क्या नाम? भाई का सारे काम मैं करता हूँ सुहेल भाई। नींद भाई को आती है सोता मैं हूँ। इमोशनल भाई होता है तो रोता मैं हूँ। तो भाई के सारे काम मैं करता हूँ। भाई आपका स्टैंड अप चालू करूँ? भाई कर कर मुंह लागू। भाई भाई पैर के लिए बहुत नीचे आना पड़ता है ना भाई। तो अभी अपन भाई का स्टैंड अप चालू करेगा। भाई के स्टैंड अप का पहला जोक, एक हाथी को एक चींटी से प्यार हो जाता है लेकिन चींटी के घर वाले बोलते हैं कि लड़के के दांत भारे शादी नहीं हो सकती। भाई मजा नहीं आया। दूसरा बोलूं? दूसरा बोल। वो हाथी अपने दांत काट के चला जाता है, चींटी के घर वाले फिर भी बोलते शादी नहीं होगी, लड़का मोटा है। भाई आपके वाला फूट नहीं रहा है। भाई अपने वाला करूं? बोल बोल अपने वाला बोल। जी भाई। सुहेल भाई आपको पता है मेरे बारे में एक बात बहुत फेमस कर रखी है इन येड़ों ने कि मैं अपने को आर्टिस्ट को खा जाता हूँ। भाई ध्यान रखना, हमारे एक जज के बारे में ये बात बहुत फेमस है। कैसे भाई अपुन बता दे कि अपना काम लोगों को उठाने का है। एक बार भाई अपुन ने बहुत बड़ी हिरण को उठाया, सिद्धार्थ भागता भागता हमारे घर तक आ गया। मैंने कहा ए येड़े तू कौन सी ढूंढ रहा है, ये फिल्म वाली हीरोइन है? अरे वो टीवी वाली के पीछे घूमता है करिश्मा यार, मैं जहाँ से छोड़ता हूँ वहीं से पकड़ लेते हैं यार तुम लोग। एक बार अपन ने भाई मुबीन को उठाया। अच्छा। अपन ने मुबीन को उठाया, ऐसे उठा के गाड़ी में डाला, पूरी सोसाइटी कंफ्यूज हो गई, कहती इनकी गाड़ी पंचर भी नहीं है, मैकेनिक को लेके किधर जा रहे हैं ये लोग। क्या ना अपना भाई इतना हैंडसम दिखता है, हर आदमी डाउट कर जाता है। भाई वैसे मैं आपको बताऊं, आज अपन डॉन बने हैं तो अपन आपसे कुछ डॉन बॉन वाले सवाल पूछेगा। अर्चना जी एक बात बताओ, एक गोली से तीन आदमियों को कैसे मारेंगे? मुश्किल से। अरे जहर की गोली पानी में घोल के तीन लोग को पिला देने का। चलो एक आपसे इजी वाला सवाल पूछते हैं भाई लोग। हाँ। एक गोली से चार लोगों को कैसे मारेंगे? सेम सेम नुस्खा है का सेम येड़ी, तेरे को ज्यादा पता, राइटर तेरे साथ बैठता है क्या? एक गोली से चार आदमी को कैसे मारेंगे बताओ? अब नहीं बताऊंगी। अरे बड़ा सिंपल है, तीन लोग पहले मर गया, चौथी गोली उसके भेजे में डालने का ना। वैसे मैं आपको बता दूं, अपन यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस खोलने आया चैनल के ऑफिस में, अपने को नया शो बनाना है। भाई क्या ना अपने धंधे में ईमानदारी रहा नहीं, क्या ना मतलब लोग बड़े ऑनेस्ट रहे नहीं। आपको पता कल अपन ऐसे गुंडागर्दी करने एक बैंक में पैसा लूटने गया, मैंने बोला ए पैसा निकाल, मेरे को बोलते बैंक में भीड़ है लंच के बाद आना। भाई मैं लंच के बाद आया, साला पुलिस बुला के बैठा उधर सामने। तो इसलिए भाई अपन ने फैसला किया अपन अपना प्रोडक्शन क्या बोलते भाई उसको, प्रोडक्शन। हाँ भाई छोटी प्रोडक्शन है लेकिन स्पेलिंग पूरे याद है तेरे को, भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या भाई अपन ने फैसला किया कि एक डांस शो बनाएगा। क्या ना अपने भाई को ना संगीत का बड़ा नॉलेज, भाई की रग रग में संगीत भी घुस रहे लाए मैं बता रहा हूँ। मतलब भाई तो सुसु भी सीटी पे करता है मैं बता रहा हूँ। मेरे को लगता है भाई मीटिंग शुरू करना चाहिए, चैनल वाली को बुलाओ, भाई कॉर्पोरेट लुक ले ले फटाफट। अरे फोन के थ्रू पाओ मत छुओ यार, इट्स ओके। मैं ये बोल रही हूँ कि तुम तो हमारे बेस्ट टैलेंट हो यार, इसे तो तुम्हारे साथ बैक टू बैक शो कर रहे हैं। क्या पैसे बढ़ाने हैं? हाँ तो व्हाट्स द बिग डील, इट्स ओके। हाँ हाँ अभी 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 निकाल देती हूँ तेरे को शो से, तेरी औकात क्या है? पैसे बढ़ाएंगे? हेलो। हाँ सिद्धार्थ, अरे यू नो ना यू आर द बेस्ट टैलेंट, इसलिए तो तुम्हारे साथ बैक टू बैक शो कर रहे हैं। हाँ हेलो हेलो सिद्धार्थ, ये फोन है, यहाँ पे फिजिकल नहीं चलता, यहाँ बात करनी पड़ती है। कौन हो बे, ऐसे मुंह उठा के यहाँ कहाँ गए? पानी लाना जरा, मेहमान आए हैं घर पे जरा। मैडम भाई को शो बनाने का है। भाई को शो बनाने का? अभी तो खत्म हुआ 10 कदम, फिर से भाई को शो बनाने का? इतना भी क्या लालच है पैसों का यार? यार एक तो आपके भाई इतने ज्यादा हिट है ना कि लोगों को दुनिया में और कोई भाई समझ में ही नहीं आता है। अरे इस भाई को शो बनाने का है मैडम, इस भाई को। ये भाई है वो? इससे बड़े तो भाई पॉजेस ले लेते हैं अपने शो में। वेलकम टू 10 कदम। अरे यार सफेद लाश, हाइट पे नहीं ना, हाइट पे नहीं, अगर इतना ही हाइट सब कुछ है ना, जंगल का राजा शेर नहीं जिराफ होता।
यार अपना शो पास कर। शो? हाँ जी शो। शो पास ही है जी, बताओ ना कॉन्सेप्ट क्या करना है। कॉन्सेप्ट बताओ भाई। हाँ, हमें कुछ ऐसा शो बनाना है जो आजकल चल रहा है। पैसा। अपना फोन आ रहा है। हेलो हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा है। इधर आओ ना भाई, आएगा ना भाई। हेलो। अबे श्याणे, 3 दिन में पैसा नहीं लौटाए ना ऐसी गाली दूंगा तेरे को, कम तेरे जीजा को ज्यादा बुरा लगे, समझा? फोन रख बे साले मुगलों के शाही पाद। तेरा जो ये भाई है उसके कोई दहशत है भी है नहीं है? अरे ऐसे में समझना आप उनके भाई को, अभी भाई ने कल ही 20 मारा। 20? हाँ 20 मारा, लेकिन फूटा एक भी नहीं। भाई का स्टैंड अप था ना मोहल्ले में। क्या है ना, अपने स्टैंड अप पे सब लोग हंसता है, जो अपने स्टैंड अप पे नहीं हंसता ना सुहेल भाई, उसको सारी जिंदगी हंसना पड़ता है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अपना भाई उसको फिर यहाँ तक काटता है। फिर अपने बाप की मैयत में भी लोग स्माइली लेके घूम रहे होते हैं इससे इससे करके। ए संदीप शाणी, इतने खतरनाक काम करते हैं आप, आपको डर नहीं लगता क्या? अब उनको दुनिया में सिर्फ दो ही चीजों से डर लगता है, एक भगवान, दूसरी माँ, तीसरा कॉकरोच भाई, चौथी मक्खी भाई, पांचवा अंधेरा भाई, छठा कुत्ता भाई, सातवीं बिल्ली भाई, आठवां ततैया भाई, नौवां गऊ भाई, दसवां हाथी भाई, ग्यारहवां अर्चना जी भाई। और किसी से नहीं डर लगता भाई का? अरे ले भाई, अरे भाई रोना नहीं, भाई रोना नहीं, अरे ले ले रोना नहीं भाई। भाई भाभी का फोन आ रहा है। भाभी को बोलते होमवर्क करके सो गया मैं। होमवर्क करके सो गया? शर्म नहीं आती अपनी बीवी से? डरते हैं बड़े बड़े लोग अपनी बीवी से डरते हैं, सलमान भाई भी अपनी बीवी से डरते हैं। ए सलमान भाई की शादी भी नहीं हुई है, सोचो कितना डरते होंगे, घर पे लेके ही नहीं आ रहे भाई। 2 BHK के नाक वाले आदमी, मैं बस यही बोल रही हूँ कि देखो KBC तुमसे होगा नहीं, बिल्कुल कॉमेडी हमें चाहिए नहीं, बिल्कुल, तो एक काम करो CID जैसा कोई शो बना दो। अभी तो तूने कहा कॉमेडी का कुछ नहीं चाहिए। अपने देखा भाई CID ऐसे 30 सेकंड का टाइमर लगा हुआ था बम पे, उसको फोड़ने में 4 मिनट का सीन दिखाते हैं येड़े लोग। पता है वो बम भी टाइमर से बाहर निकल के सोच रहा है कि यार मैं फूट ही रहा हूँ, मैं बम हूँ क्या विलास का पंचू। मैडम कुछ ऐसा बड़ा झामा बताओ ना जिसमें वो इच्छा सुंदर मुंदर सब। हाँ एक काम करते, कुछ हिस्टोरिकल कुछ माइथोलॉजिकल बनाते, महाभारत द्रौपदी का एक्ट करते हैं। द्रौपदी? द्रौपदी कौन है झोटे भाई? द्रौपदी नहीं पता आपको? ना है। कल आपको भाई हॉस्पिटल में ऐसे लेके गया था पोलियो का ड्रॉप्स पिलाने, तो नर्स क्या बोल रही थी? वो पूछ रही कि इस बच्चे को ड्रॉप दी। PMG हॉस्पिटल अपने बगल में भाई, उधर शूटिंग करेंगे ना अपन। अरे नहीं, अपना सेट एकदम हुग्गे होगा, हुग्गे सेट एकदम। हुग्गे? ये येड़ी हुग्गे मतलब बड़ा बड़ा। ओ यू मीन ह्यूज। मैडम आपने वो वाली फिल्म देखी है क्या, वो चिंगाटे फिल्म? चिंगाटे? वो जिसमें बोलता है मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। ओ यू मीन चाइना गेट। भाई इसको फिल्म के नाम भी नहीं पता है येड़ी, इसकी इंग्लिश में लंबी प्रॉब्लम है, एक बार फिर चेक करते। मैडम आपने वो फिल्म देखे रहा है क्या, वो वाला जिसमें वो शाहरुख हॉकी सिखाता है चक डांडिया? अरे यार बता दो, चक दे इंडिया है वो। यार इसको तो कुछ भी नहीं पता, सब इंग्लिश गलत बोल रही है मैडम, यार कैसे चैनल के हेड बन गए ये लोग यार। देखो जिस तरह से तुम्हारी तमीज है ना, उस हिसाब से मैं तो तुम्हारा शो पास नहीं करने वाली, कोई बड़ा कनेक्शन हो तो उससे करवा देना। ए कनेक्शन क्या पूछ रही है, अपना दुबई तक कनेक्शन है, मस्त बोर्ड से दुबई तक 5 मिनट में। यकीन नहीं हो रहा है, अर्चना से पूछ लो, रोज दुबई में मिलती है। ए हेलो अर्चना जी ना मड आइलैंड में रहती है। ये मड आइलैंड में भाई अपने को धोखा दिया भाई उसने, बोट का चप्पू मारू। ए बनाया मेरे को, ए बनाया मेरे को, ये बनाया भाई, बीपी नहीं बढ़ाने का। अरे भाई का बीपी बढ़ गया, भाई को दवाई देनी पड़ेगी भाई, रिलैक्स भाई भाई बोल। तेरी कॉलोनी से आएंगे ये दोनों? भाई के सारे काम अपुन करता है छोटे। हाँ मेरे को सुसु आ रहा है।
भाई मेरी तरह मत देखो, मेरे को अपना भी करना होता है, कल भी मिक्स हो गया था भाई। ऐसे नहीं होता भाई। ये बकवास छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, चलो। ए छोटे, ये तो दुश्मन की चिट्ठी लग रही है भाई। इसमें सब उल्टा सुलटा लिखा है, ये देख, उल्टा टी, उल्टा डब्ल्यू, उल्टा एम। भाई अभी हुआ भाई, सीधा हो गया। सीधा करके भी क्या उकाड़ लिया अपना, ये पढ़ने लिखने में और शो में कुछ नहीं होने वाला है। तो जूट गेस, अब बताइए कैसा लगा आपको ये एक्ट? अर्चना जी, बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिली इसमें। एक तो ये अंग्रेज़ी का जो नया अंदाज़ आपने बयां किया, ये पहली बार मैंने सुना है, बहुत बढ़िया। और दिव्यांश, माय गॉड, आपका जो इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है एक्ट के अंदर, बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। थैंक यू मैम। एंड अदिति, माय गॉड, यू आर सो गुड, सो गुड। सहल सर, जब हम आपको देखते we feel that now we are watching a character. I forget at times, जब हम नीचे देखते हैं that you know what is the name, it's not because we don't remember your names, it's because हम लोग आपके characters में इतने involved हो जाते हैं that we forget that your Aditi or your Divyansh or your ये हुई असली कॉमेडी। बलराज, लेकिन बलराज, you are genuinely a very talented man. Thank you so much. Thank you. Super. हीरोइन के नखरे तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बहुत उठाए होंगे, मगर यहाँ आज एक हीरोइन को किसी डाकू ने उठा लिया है। प्लीज वेलकम पारितोष एज पान सिंह, ओजास्वी एज हीरोइन, एंड अनीता एज हीरोइन की माँ। केस के लाने मेडल लाओ, कौन ने पूछे बागी बन गए, सबने पूछा लाग रहे, छलनी कर दिया था हमने सीना, हमारा दद्दक बदला पूरा ने वो। इसका गैग से कोई लेना देना नहीं है, सेल्फ फ्रस्ट्रेशन है बे। अर्चना जी बे, ये हमारी पार्टनर है, किडनैपिंग के नाम पे हमने मुंह पे टेप चिपका रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसके फंबल से हमारे स्टैंड अप का चंबल खराब हो। फंबल और चंबल, नाम तो हमने अपना बताया नहीं अभी तक। हमें इरफान खान, इरफान खान। वैसे मजा है, हमारा फेवरेट काम है भैया स्टैंडिंग ओवेशन, हिंदी में बताते मतलब उठाना। किडनैपिंग का धंधा है ना हमारा, बड़े बड़ों को उठाया हमने। एक बार हमने सोहेल खान को उठाया, हमने बोला सोहेल भाई उठ जाओ, सुबह हो गई है, घर नहीं जुआना है क्या? अरे मतलब घर नहीं जाना है क्या? लेकिन सुनो, ये हीरोइन को हमने उठाया है, इससे करोड़ रुपए फिरौती लेंगे, उसके बाद हम किडनैपिंग काम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें दर्द बहुत है। अरे पुलिस वाले उल्टा करके मारते बे। अरे यार, शिष्टाचार नाम की चीज नहीं है क्या? आदमी स्टैंड अप कर रहा है, तुम्हारा फोन वाइब्रेट हो रहा है, कौन वाइब्रेशन पे है? अच्छा खड़क। अबे चिल्ला तो ऐसे रही जैसे हमने मूछें उखाड़ दी हो तुम्हारी। ए, मुझको मूछें नहीं आती। चलो मूछ भी नहीं आती है, कॉमेडी भी नहीं आती है, तो तू यहाँ क्या करने आती है बे? सुन, फिरौती की रकम मांगनी, अपने बाप का नंबर दे। एक मिनट, कब से बकर बकर किया जा रहा है, बक 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 बक, तू चंबल का डाकू है या चंबल का बलराज? तब से बे, कैसे नल्ले आदमी से हमारी तुलना कर रही है? वो दाढ़ी वाला लौंडा जितना बड़ा स्टैंड अप करता है, उससे चार लाइन कम में इंसान बीए पास हो जाए। दे अपने बाप का नंबर दे। मेरा बाप नहीं है। अरे तो तू दुनिया में कैसे आई बे? समझ गया सारा समझ गया बे। अपनी अम्मा का नंबर दो। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, इधर भी कॉमेडी, जहाँ लिख के दिया जाता है वहाँ साले होता नहीं है। अरे लौंडिया की अम्मा, हम एक्ट और तुम्हारी बिटिया दोनों उठा कर रखे हैं, लपक के चली आओ, फिर उतनी रकम लेके आओ। यन्ना रास किला पोड़ा ये पड़ी रखेंगे यन्ना। अरे एक मिनट यार, केबल के तार खा के आ गई हो क्या बे?
इसका हिंदी डब किधर है? हिंदी डब? तुमने हमारे बेटी को कैसा उठाया? ऐसे। अच्छा, मेरे गलत इशारे में फंस गई। इशारे में नहीं फंसी माता जी, हमने इसमें पहले बंदूक फंसाया, फिर ऐसे ऐसे करके फंसाया इसको। फिर ओके, नहीं तो ना मैं तुम्हारा छोटा 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 बस करो माता जी, बस करो। कितना छोटा छोटा भी हमको डायरेक्ट पीस क्यों नहीं देती हो? पीस पीस के मिक्सर में रजनी कौन तो तुम्हारा तो मैं तो तुम्हारा तो मैं। चुप कर, फालतू बात मत बोलना जो हमारे समझ में ना आए, वरना चिरंजीवी चला के मारेंगे सूझ के तुम्हारा मोहन लाल हो जाएगा। हमारा बेबी का हाथ काय को बांधा? अरे तुमने तो फोन पे बोला था तुम्हारी बिटिया गाय है, इसलिए हमने हाथ बांध दिया कहीं सिंह न मार दे। और सुनो, हम आधे सिंह अच्छे हैं, पूरन सिंह नहीं बनना है हमको। बोल दे क्या, तू हाथों से भी ओवर कर देती है ना। अगर अपनी बिटिया की सलामती चाहती हो तो 1 करोड़ रुपया दो और ले जाओ। 1 करोड़ भैया, टीक टीक लगाओ ना। अरे माना इसकी शकल टिंडे जैसी है, पर सब्जी थोड़ी बेच रहे हम। ए, 1 करोड़ काय का? हमारे वहाँ पे तो 25-25 लाख दे के लड़की को छोड़ देते हैं। तुम्हें तो पता है मेरी बहने किडनैप हुई थी, उनके तो हम EMI भर रहे हैं। खाई गिरे के लोग हैं क्या, सारे दिन उठते ही रहते हो? अगर तुम लोग सारे दिन उठते रहते हो तो एक्टिंग कब करते हो बे? हमारा बहुत बड़ा खानदान है, अगर एक किडनैप हो भी गया तो पैसा जमा करने के लिए दूसरा काम कर लेता है। मम्मी, आपने भी तो सुहेल के साथ मूवी की थी ना? हाँ, केदार कॉटेज। मम्मी, वो कृष्णा कॉटेज थी। हाँ हाँ, हमको याद है, हम बस सुहेल को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता ना। गुस्सा आए ना आए, हमको याद आ गया। तुम चुप ही करो, नल्ला किडनैपर है। पहले तुम हमको ये बताओ कि तुमने किसी किसी को किडनैप किया? अरे हमने बड़े बड़े लोगों को उठाया है। किसी को? अर्चना जी को। ये बड़े में आती है क्या? हमने अर्चना जी को उठाया, हमने सोचा 4 पैसे आ जाएंगे, 4 ही पैसे आए। अच्छा, यहाँ बैठे हुए किसको उठाया? किसी को? ट्राई तो हमने सबको किया, हम तो सना को उठाना चाहते थे, मगर जिसका करियर शाहरुख खान वरुण धवन नहीं उठा पाए उसको उठाने वाले हम कौन होते? अभी देखना ये बोलेगा कि हमने बलराज को उठाया। हमने बलराज को नहीं उठाया था भैया, हमने ऑडियंस को उठाया। हमने कहा उठो, अपने घर जाके सो। इस साले का स्टैंड अप तो कभी खत्म नहीं होगा। और बचे हुए जोक हम आपको बाय पोस्ट भेज देंगे, समझे? चलो पैसा दो, ले जाओ। देखो हमारे पास पैसा तो नहीं है, हम डांस करता। हमको डांस नहीं देखना है। अरे प्लीज देख लो। अरे नहीं देखना। अरे प्लीज प्लीज देख लो, हम अच्छा डांस करेगा। कॉमेडी के बारे में भी तो यही बात बोली थी। अगर तुम चाहती हो उसको ले जाना तो कुछ ऐसा करो जिससे हमको मजा आ जाए। तो ठीक है, हम इसको खत्म कर देता। क्यों? ये अच्छा नहीं करती है। अच्छा, अगर इस बेसिस पे खत्म करना हो तो पूरा चंबल खाली हो जाएगा। और ज्यादा मत हंसो, ए सबसे पहले तुम्हारा नंबर आएगा, जैसा फालतू आजकल तुम कर रही हो ना। तुम्हारा आएगा, हम तो कहते हैं तुमको मार ही देते बे, हटो। ये भी ओवर है की बस। अब आप जे कहोगे कि एंड में पंचेज कम थे। हाँ। पंचेज हम अगले एपिसोड में मार लेंगे, ज्यादा हंसा लेंगे, पर इन दो से तो छुटकारा दिला दिया ना। पैसे दो जल्दी से, उठ जाओ बे। अर्शा जी, आपको ये पंचेज कैसे लगे? भाई तुमने ये पान सिंह बहुत बढ़िया किया परितोष। ओजस्वी एंड अनीता, यू आर डिलाइटफुली एंटरटेनिंग एज द मदर एंड डॉटर। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, साउथ की हीरोइन मतलब ये थी? ये साउथ की? हाँ, ये कहीं और की। ये बेटे तो इन्हीं की है ना, लेकिन बाप नहीं है ना। लेकिन मैं लॉजिक क्यों मांग रही हूँ? ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ पंचेस की जरूरत है, लाफ्टर की जरूरत है, जो आपने दी। थैंक यू मैम। सोहेल सर, दिस कॉमेडी सर्कस हैज गॉट सो मच ऑफ टैलेंट यार। नए कॉन्सेप्ट, नए एक्ट्स, अ टेक टू एवरीथिंग। वी आर जस्ट इंजॉइंग आवर सेल्व्स, दी ऑडियंस इज इंजॉइंग। दिस इज श्योर टैलेंट एंड बिलीव यू मी, आई से दिस विद ऑल माई हार्ट, क्या कॉमेडी सर्कस एवरी एक्ट एवरी एपिसोड ये एक कोई दूसरे लेवल पे जा रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।
एक बात कहनी है जी। मैंने इरफान सर की कॉपी करने की कोशिश की, जो मैं क्या मेरे जैसे जितने भी हों इस जन्म में तो नहीं कर सकते हैं। फिर आएंगे ओनली ऑन कॉमेडी शोज कबाब कॉमेडी सर्कस। तब तक के लिए अर्ज क्या है, तुम मेरे दिल में कुछ ऐसे समाई हो, तुम मेरे दिल में कुछ ऐसे समाई हो जिसे सरसों के खेत में भैंस घुस आई हो। और मैं जो आना जाते जाते बस यही कहूंगी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो।